एवरीवन, माय नेम इज रंजिता सिंह, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आई वेलकम यू। इफ यू आर एन ओल्ड सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। तो आज हम आपके लिए वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है आने वाले वीक में। और मैं बहुत जल्द इंस्टाग्राम पे लाइव रीडिंग करने वाली हूँ, तो मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टा हैंडल डाला हुआ है, आप ज़रूर चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फॉलो करें, ठीक है। डेट्स मैं बहुत जल्दी डिस्क्लोज कर दूंगी कि मैं कब लाइव होने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड, लेट्स सी आने वाला वीक कैसा रहेगा आप सबके लिए। और विद अ वेरी पॉजिटिव नोट, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हेलो कैप्रिकॉर्न, सो लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है आने वाले वीक में। पहले हम टैरो से पूछेंगे, देन मैं आपके लिए मूनोलॉजी से भी कार्ड पुल करूंगी। सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या आ रहा है इस वीक। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल। सो कैप्रिकॉर्न, मुझे तो आपकी यहाँ पे एनर्जी टोटली, जिसे कहते हैं ना, अब वो दिख रही है। जो इंसान ना पूरा ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड इन द सेंस पूरा मेटेरियलिस्टिक चीजों में उसका ध्यान है, कैसे अपने आप को ग्रोथ में कैसे काम करना है। और यू आर नाउ ना कहीं बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं अपना ये वाला फेज, जहाँ पे आपके पास बहुत चीजें हैं, ठीक है। यू आर फीलिंग समहाउ कंप्लीट विद इन योर सेल्फ, ठीक है। कहीं ना कहीं आप सी मैंने अभी ये वाला पॉस्चर किया, जस्ट सॉ दिस थिंग, क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे कहीं ना आप थोड़ा सा मुझे ना इमोशनली ना अपने आप को बड़ा कंट्रोल्ड होते हुए नजर आ रहा है मुझे। मतलब आप बड़ा इंटैक्ट रखा हुआ है आपने, अपने कंट्रोल में रखा हुआ है अपने इमोशंस को, कि वो दिखने नहीं चाहिए। और लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके लिए समहाउ कुछ एक फीमेल एनर्जी है जो आपको समहाउ आपके बैक ऑफ द माइंड में है, लेकिन आपने ना अपने इमोशन बड़े इंटैक्ट रखे हुए हैं, अपने तक रखे हुए हैं। और कहीं ना कहीं आप बहुत इमोशनली स्ट्रांग भी मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कहते हैं ना, यहाँ पे डेविल कार्ड आया है यहाँ पे आपके लिए, जो दिखा रहा है मुझे कि कुछ चीज़ें हैं जो भी ख़त्म नहीं हुई हैं, ठीक है। दो इट्स अ डेथ कार्ड एंड अगेन यहाँ पे रीबर्थ भी मुझे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में आप नई शुरुआत चाहते हैं। एंड पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, डेफिनेटली इस वीक भी आपको कुछ मॉनेटरी गेन्स होने वाले हैं। सी आई टोल्ड यू, आई थिंक कैप्रिकॉर्न दिस ईयर इज योर, सो कहीं ना कहीं आपके लिए मॉनेटरी गेन्स भी मुझे नजर आ रहे हैं। तो आप में से बहुत से लोगों के शायद पैरों में दर्द हो सकता है। कैप्रिकॉर्न प्लीज़ अपने पैरों का ध्यान दें, थोड़ा सा बैलेंस और मेडिटेशन करें। एंड मेडिटेशन भी उसमें जो अपने पॉस्चर्स पे अपना ध्यान दें, थोड़ा सा ना पॉस्चर्स पे अपना सूर्य नमस्कार करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पॉस्चर्स का ध्यान रखें थोड़ा सा। अभी कहते हैं ना, अकेले मस्त मौला टाइप्स वाली फील है आपकी, आप अकेले एंजॉय कर रहे हैं अपनी सेल्फ कंपनी कहीं ना कहीं, ठीक है। लेट्स सी ट्रस्ट। सो सॉरो, डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके मन में किसी चीज के प्रति कुछ दुख दर्द कुछ गम है कैप्रिकॉर्न्स, ठीक है। मैंने बताया ना आपको आइसोलेशन, सी एग्जैक्टली कहीं ना कहीं आप थोड़ा आइसोलेटेड भी फील कर रहे हैं, अकेले अकेले ही चीजों को कर रहे हैं, अकेले अकेले बैठे हैं। और कहीं ना कहीं आप शायद रो भी रहे होंगे कैप्रिकॉर्न, थोड़ा मन से। अगर आप वैसे नहीं रो रहे तो मन से आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिससैटिस्फाई तो है इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स, इन टर्म्स ऑफ योर इमोशंस। दो आपने उन्हें कंट्रोल, उन्हें छुपा के रखा हुआ है, बिकॉज कैप्रिकॉर्न इज दैट काइंड ऑफ एनर्जी जो अपनी चीज़ों को अपने तक छुपा कर रखता है, बाहर नहीं निकालता, एक्सप्रेसिव नहीं होता, इतना स्लो एनर्जी होती है। तो कहीं ना कहीं स्लोनेस तो है आपके अंदर। कुछ चीजें हैं जो आप चाहते हैं मोमेंटम पे आए, एक्शंस में आए, पर वो नहीं हो रही हैं। ट्रस्ट रखें यूनिवर्स पे, अपने आप पे, वो चीजें जरूर होंगी, ठीक है। लेट्स सी
कम्युनिकेशन इज द की कैप्रिकॉन्स, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत जरूरी है कि कम्युनिकेट करें, लोगों से बात करें, बात कर कर चीजों का हल निकलेगा। अपने अंदर ही कुछ ना कुछ बियॉन्ड अपने इल्यूजन्स में नहीं रहे, कुछ भी सोचते जा रहे हैं, अपने आप में ही सब कुछ सोच रहे हैं, तो कम्युनिकेट करें, चाहे वो किसी के साथ भी हो, कम्युनिकेशन से ही आपके रिलेशनशिप सुधरेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कहीं ना कहीं सोरोनेस है तो कम्युनिकेट करें, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। अगेन यहाँ पे एक बड़ा बैलेंस दिख रहा है, कुछ नया स्पार्क प्यार भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, तो थोड़ा सा देना सीखे कैप्रिकॉन एनर्जी कैप्रिकॉन्स, तो इट्स टाइम कि आप थोड़ा दे भी, है ना, चीज़ों को दे रेदर देन टेक। सो इट्स टाइम टू गिव रेदर देन टेक, एंड दैट्स इट कैप्रिकॉन। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ यू डू, हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी यू माय नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।